तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो अंकल जी हैं हॉपर में डाल रहे हैं जो ठंडा रहेगा कोल्ड आटा। अच्छा तो चलिए अभी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम ठंडा आटा भी है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है आटा चक्की पल्वलाइजर मशीन का। इसे 10 HP पल्वलाइजर तक हम बनाते हैं, जिसमें 3 HP, 5 HP, 7.5 HP। हमारा डीलरशिप लेना हो तो डीलरशिप भी ले सकते हो। अच्छा। एक मशीन सिंगल पीस चाहिए तो सिंगल पीस भी मिल जाए। मशीनें आप जब आएंगे ना तो लाइव बनते हुए देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें नीतीश त्रिपाठी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट मार्केटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। तो इस समय हम आपको लेकर आ गए हैं गुजरात के अहमदाबाद में, और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज एक वीडियो से दो बिजनेस हम बताने जा रहे हैं। पहला तो आप इस जगह से यदि आप जुड़ेंगे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, दूसरा आप अपना खुद का भी बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। आज हम आपको पल्वलाइजर मशीन दिखाएंगे, वो भी सीधा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से। हम आपको लेकर आए हैं अहमदाबाद में गोकुल इंडस्ट्रीज में, जहां पर आपको टोटल पल्वलाइजर मशीन का मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाएगा। छोटे से छोटे पार्ट्स भी यहां पर बनते हैं। फैक्ट्री देख सकते हैं कितनी बड़ी आपको देखने को मिल जाने वाली है। यहां पर देख सकते हैं मोटर का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। पल्वलाइजर से जुड़ी जितने भी पार्ट्स हैं यहां पर टोटल पार्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं। तो सीधा आते हैं मशीनों पे। आज कौन से मशीन पे हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो अभी गोकुल इंडस्ट्रीज से मैम हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बस सर सब ठीक है। आपका शुभ नाम? कविता। कविता जी, अच्छा मैम अपने थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं कि इस कंपनी में कौन कौन सी मशीनें बनती हैं, साथ ही साथ किस किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। यस सर, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है आटा चक्की पल्वलाइजर मशीन का, जिसमें पत्थर वाला है, फिर ये पल्वलाइजर मशीन है, फिर कांटअप मशीन है, सेवाई मशीन है, मसाला मशीन है। तो ये सारे टाइप की बिजनेस है उसके लिए, और घरेलू यूज के लिए भी हम बनाते हैं। अभी हम किस जगह में मौजूद हैं, थोड़ा सा एड्रेस पे हम डिस्कस करते हैं। यस सर, ये सर हमारा ऑडो विस्तार में पड़ता है अहमदाबाद में, न्यू गोकुल इंडस्ट्री करके। ये जो मशीन रहने वाला है कौन से पल्वलाइजर मशीन के बारे में हम बताने जा रहे हैं? सर ये जो आज का है वो 5 HP पल्वलाइजर मशीन है, जो सर सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। कॉमर्शियल यूज के लिए करते है ये, और इसमें सर सिंगल फेस और 3 फेस दो टाइप में आता है। अगर कोई क्लाइंट को, कस्टमर को घरेलू बिजली से चलाना हो तो वो घरेलू बिजली से चला सकते हैं, और 3 फेस का कनेक्शन हो तो 3 फेस के कनेक्शन में भी चला सकते हैं। अच्छा, जैसे अपने हमने व्यूअर को पहले ही बताया कि यहाँ से आप दो तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी, पहला तो आप यदि अपने घर पे ही खुद का पल्वलाइजर मशीन लगाना चाहते हैं, पहला बिजनेस का तरीका ये हो गया। दूसरा क्या, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आपसे जुड़ करके? यस सर, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो आप। हाँ, हमारा ऑल इंडिया में चलता है। आप ऑल इंडिया में से कोई भी सिटी या कोई भी गांव से हो सर, तो आपको हमारा डीलरशिप लेना हो तो डीलरशिप भी ले सकते हो। अच्छा। एक मशीन सिंगल पीस चाहिए तो सिंगल पीस भी मिल जाएगा सर। क्या बात है। तो आइए फटाफट सीधा हम मशीन पे ही फोकस करते हैं और मशीन के बारे में जानकारी लेते हैं। कितने एचपी से कितने एचपी तक की पल्वलाइजर मशीन आपके यहाँ डील होती है? जी सर, हमारे यहाँ पे से छोटा मशीन से स्टार्ट होता है बड़े मशीन तक। जैसे कि आप देख सकते हो 2 HP पल्वलाइजर से स्टार्ट होता है, जैसे 10 HP पल्वलाइजर तक हम बनाते हैं, जिसमें 3 HP, 5 HP, 7.5 HP इंक्लूड है। जी, आते हैं पहला कौन सा मशीन दिखाएंगे? जी सर, इसमें सर पहला अपने छोटे वाले मशीन से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये 2 HP पल्वलाइजर मशीन है, जो घरेलू बिजली से चला सकते हो आप। घर में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना हो, जैसे गांव में चलाना हो, छोटे से शहर में चलाना हो, तो आप ये यूज कर सकते हो। इसमें सर 2 HP का मोटर लगता है। अच्छा, देखिए पहले क्या होता था कि पहले पत्थर से लोग चलाते थे, पूरा बेल्ट लगा के इंजन लगाना पड़ता था, डीजल खर्च आता था, बहुत सारी चीज़ें तामझाम रहती थी, जगह का भी खर्च आता था। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए कम जगह के अंदर आप एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। पल्वलाइजर मशीन में लोग पहले गलत चीज़ें भी बेच देते थे, लेकिन अभी आपको सीधा मैन्युफैक्चरिंग से हम आपको जुड़ा रहे हैं,
तो यहाँ से आप यदि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ रहे हैं तो आपको बेहतर मशीन देने का काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा क्वालिटी पे हम बात करते हैं, तो मशीन का थोड़ा सा क्वालिटी हमें बताएं। सर, क्वालिटी में इसका बेस्ट रहता है, जैसे पूरा MS का बॉडी रहता है और ये जो उसका हॉपर साइज है, हॉपर ये SS का रहता है। अच्छा। और इसमें एक साथ में आप 5 से 7 किलो तक गेहूँ डाल सकते हो। जी। ठीक है। और उसमें सर ये चैम्बर आएगा और इसमें भी दो टाइप के रहते हैं, एक सिंगल चैम्बर रहता है, एक डबल चैम्बर रहता है। डबल चैम्बर में सर देखिए इस टाइप का आता है। अच्छा। डबल चैम्बर में जिसमें जो भी मटेरियल आप पहले डालते हो वो पहले छोटे कटर में जाके पिसाई करता है, उसके बाद आगे वाले कटर में आके पिसाई करके अच्छे से फाइन आटा निकालता है। अच्छा, डबल चैम्बर और सिंगल चैम्बर में अंतर क्या पड़ रहा है? हाँ, डबल चैम्बर और सिंगल चैम्बर में सर यही अंतर है कि आपको अगर अनाज वगैरह ही पीसना है तो आप डबल चैम्बर में पीस सकते हो। और उसमें क्या सर, पहले मटेरियल यहाँ पिसता है उसके बाद यहाँ पिसता है, तो जो अंदर की जाली रहती है वो कम टूटती है ऐसा। और सिंगल चैम्बर में क्या, ज़्यादातर सर मसालों के लिए यूज़ होता है। अच्छा। मसाले के लिए अलग से एक हॉपर दिया जाता है यहाँ पे, जिसमें आप मसाले पीस सकते हो। वैसे तो ये 2-in-1 करके ही मशीन है, दोनों चीज पीस सकते हो, पर स्पेशली सिंगल चैम्बर जो रहता है वो मसाले के लिए यूज होता है। अच्छा, इसके अंदर जो मोटर लगा है कितने HP का ये? सर इसमें जो मोटर लगा है वो 2 HP का है। ऐसे ही 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP तक आता है। अच्छा, कितना बिजली खर्च आ जाता होगा 2 HP में? हाँ सर, इसमें 2 HP का आप लगाते हो तो 1.5 यूनिट तक रहता है। 1.5 यूनिट? यस। अच्छा, मशीन यदि कोई मैम आपसे जुड़कर ले रहा है तो मशीन के साथ साथ क्या क्या आप लोग देते हैं? यस सर, मशीन के साथ में सर इसके साथ में जो जो स्पेयर पार्ट रहता है वो एसेसरी साथ में ही आता है। जैसे कि जाली मिल जाती है 0 से 7 नंबर तक की, अगर आपको आटे के अलावा भी और कुछ पिसाई करनी हो तो उस हिसाब से उसका जाली भी सेट करके रखा है। फिर आपको पैनल भी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर ये जो रहता है कंटेनर आटा निकालने के लिए। अच्छा। तो ये कंटेनर मिल जाएगा, उसके अंदर का थैली वगैरह रह जाएगा। जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप मशीन लेते हैं तो इसके साथ आपको कंटेनर और जालियाँ, 7 जाली मिलने वाली है। यस सर, 7 जाली मिलेगा। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी जो HP है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी मशीन दिखाने जा रहे हैं? ये सर नेक्स्ट 5 HP पल्वलाइजर मशीन है, जो अच्छा। सबसे ज्यादा सर सेल होती है और सबसे ज्यादा डिमांड इसकी ही है, 5 HP पल्वलाइजर की। अच्छा। इसमें सर घरेलू बिजली से चलाना हो तो वो भी उपलब्ध है, और 3-phase कनेक्शन से चलाना हो तो वो भी उपलब्ध है सर। उपलब्ध होने वाला है। अच्छा मैम, पहले हॉपर से आते हैं, तो हॉपर कितना बड़ा मिल जाने वाला है इसमें? यस सर, इसका हॉपर साइज जो रहता है वो 15 से 20 किलो तक का गेहूं कैपेसिटी है उसका। अच्छा, फिर आगे का जो भी प्रोसेस है थोड़ा सा वो हमें डिटेल से थोड़ा समझाएं कि कैसे इसका पिसाई है, पिसाई की जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है इसके बारे में। यस सर, इसमें जो रहता है सर, जब आप गेहूँ इसमें डालते हो तो ये जो मटेरियल है वो चैम्बर में कट होता है, ग्राइंडिंग होता है, उसमें जाली सेट करना रहेगा आपको। जैसे आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जाली सेट करके जो भी मटेरियल है वो कट होके जाली से छन्नी होके डायरेक्ट कंटेनर में आटा निकलता है सर। अच्छा। हाँ। इसके अंदर क्या मैम, सिर्फ हम गेहूँ की ही पिसाई कर सकते हैं कि अदर चीज़ों की भी पिसाई हो सकती है? नहीं सर, इसमें सब कुछ चीज़ें पीस सकते हो, जैसे सारा अनाज भी हो गया, मसाले वगैरह पिसाई करनी हो तो मसाले भी पीस सकते हो। जी। मतलब 2-in-1 करके है मशीन। आते हैं अगले मशीन की तरफ, ये कितने HP का होने वाला है? काफी बड़ी मशीन लग रही है पल्वलाइजर। यस सर, ये कॉमर्शियल यूज के लिए मशीन है, जिसमें सर 7.5 HP, 10 HP में अवेलेबल है। जी। इसमें सर साइक्लोन सिस्टम भी रहता है। अच्छा। यस सर, ये साइक्लोन इसलिए सर कि जिसको भी बिजनेस यूज के लिए करना हो, जैसे कि आपको आटा पैकिंग करके मार्केट में बेचना हो तो जो आटा रहता है उसको ठंडा होना चाहिए, तो ये साइक्लोन अटैच आएगा जिसमें जो भी मटेरियल पीस के आटा निकलता है वो ठंडा होके निकलता है सर। अच्छा, इसका प्रोडक्शन क्या होता होगा मैम पर घंटे में? यस सर, इसमें सर 10 HP का जो रहता है मशीन, उसमें 90 से 100 किलो का प्रोडक्शन रहता है। 90 से 100 किलो? यस सर, पर हावर का। हम आप लोगों को रनिंग प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं, मैम थोड़ा सा बताइए कि रनिंग में कैसे क्या काम? जी बिल्कुल सर, देखिए अभी डेमो चालू है, लाइव डेमो, इसमें कैसे गेहूँ पीस के निकलता है, कैसा मटेरियल निकलेगा, कैसा फाइन आटा निकलेगा वो आपको दिखाते हैं। ये तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो अंकल जी हैं हॉपर में डाल रहे हैं, किसाई चल रही है, और आगे जो रहता है ये चैम्बर, उसमें कट होके आगे चैम्बर में आ रहा है, फिर यहाँ से जो पाइप लगा है, पाइप के थ्रू ये साइक्लोन में जाएगा, और साइक्लोन के थ्रू ये आटा बन के बाहर निकलेगा जो ठंडा रहेगा, कोल्ड आटा। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं फाइनल प्रोडक्शन यहाँ पर कैसा निकलने वाला है, चेक करते हैं। अच्छा, पर घंटे का क्या प्रोडक्शन करेगा ये सर? 1 घंटे में आपको 90 से 100 किलो का रहता है प्रोडक्शन। 90 से 100 किलो? यस।
देखते हैं फाइनल इसका प्रोडक्शन हमारा कैसा निकलने वाला है, क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो अभी देखिए यहाँ गेहूँ से आटा जो है बनके रेडी हो गया है, और ये देखिए क्या बात है, कितना शानदार यहाँ पर। और देखिए ज़्यादा गर्म भी नहीं है, अभी वही पत्थर वाली चक्की से पीसता तो शायद छूने लायक ये आटा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम ठंडा आटा भी है और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, एकदम पाउडर से भी ज़्यादा महीन ये आटा यहाँ पर निकला हुआ है, और बिल्कुल इसमें खुरदुरा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, और पूरी क्वालिटी है, ठीक है। तो पर घंटे का 100 किलो प्रोडक्शन इसका इसका रहने जी। में बिजली कितना कमर्शियल में लेना पड़ता होगा आपका? यस सर, ये 3-फेज कनेक्शन वाला रहता है और इसमें से 7.5 यूनिट यूज होता है जी। बाकी दोस्तों ये जो सेटअप है ये कमर्शियल सेटअप है, इसके पहले जो मैं आपको दिखाया था डोमेस्टिक है, ठीक है। तो दोनों आप लेकर के अपना खुद का बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ मैम यदि मशीन के अंदर कभी भी कुछ खराबी आती है तो उसके लिए आपकी कंपनी सर्विस किस प्रकार से देती है? जी सर, इसमें ऐसा रहता है मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है, उसमें से मोस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट का ही रहता है, जैसे जाली वगैरह रह गया तो वो इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगा जाली वगैरह का, तो आप मतलब यहाँ पे हमको कॉल करके कुरियर थ्रू मंगवा सकते हैं। कोई भी एनीवन पार्ट रहा और कुछ भी रहा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कुरियर थ्रू। बाकी सर सर्विस का रहता है वो मोटर पे डिपेंड रहता है, मोटर हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है, 1 ईयर का वारंटी रहता है मोटर का, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा मोटर को तो वहाँ पर आप वाइंडिंग वगैरह करवा सकते हो, जो कोई भी चार्ज होगा कंपनी आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देगी, अगर वहाँ पर आप नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर भेज के हम रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर एक पार्ट्स भी देखने को मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर यदि आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी जो मशीन है कितने क्वालिटी से बनाई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जालियों के भी काफ़ी ढेर सारे स्टॉक आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। उधर आपका देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पर भाई लोग उसको समेट रहे हैं, ठीक है। बाकी इधर की जो मशीनें मैम लगी हुई हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। यस सर, ये सारी सर अभी रेडी हो रही है, इसमें सर कुछ देख सकते हो आप, जिसमें चैम्बर लगा हुआ है, जिसमें कटर लगाना बाकी है, तो आप इसमें स्पेयर देख सकते हो इसका, उसमें सेट होगा और ये पूरी तरीके से रेडी होके इस टाइप की मशीन रेडी होगी। यहाँ पर मशीनें आप जब आएंगे ना तो लाइव बनते हुए देख सकते हैं। यस सर, ठीक है। तो बाकी यदि कोई मैम यहाँ पर विजिट किया तो वो तो आके देख के ले सकता है। बिल्कुल, कोई घर बैठे यदि मंगवाना चाहता है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? यस सर, स्क्रीन पे आपको नंबर दिया जाता है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, हमें यूट्यूब से जुड़ सकते हो, जैसे हम ऑनलाइन पे आपको वीडियो कॉल में दिखा के मशीन आप बुक करवा सकते हो, और ऑल इंडिया में कोई भी लोकेशन होगा आपका वहाँ पे ट्रांसपोर्ट थ्रू आपको ये मशीन मिल जाएगा। स्टार्टिंग की बात की जाए मैम तो कितने से पल्वलाइजर मशीन का जो बिजनेस शुरुआत कोई कर सकता है, कितने से? स्टार्टिंग सर आपको मतलब घरेलू यूज के लिए चाहिए तो 1 पीस ले सकते हो, डीलरशिप चाहिए तो आप क्वांटिटी में ले सकते हो। तो रेट तो दोनों का अलग अलग लगता होगा? यस सर, होलसेल रेट ही लगेगा, अगर आप 1 पीस भी लेना चाहते हो सर, पर हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है तो 1 पीस में भी हम होलसेल रेट में ही आपको देंगे सर। यदि आपको ये पल्वलाइजर मशीन लेना है या तो आपको यहाँ से जुड़ करके बिजनेस करना है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहाँ से आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। आज की वीडियो कैसे लगी हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।